एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे बीच में मौजूद है XUV700 का AX5 वेरिएंट, यानी एकदम खतरनाक वेरिएंट है, सुपर वैल्यू फॉर मनी है। और एक चीज़ के लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, मुझे पता है गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है, बट ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, हाथों हाथ निकलने वाला वेरिएंट है। तो बस इसके बाद ये वॉशिंग पे जाएगा, उसके बाद डिलीवर होना है, तो मैंने इसको रोक के रखा है कि पहले यार मुझे शूट कर लें तो उसके बाद भेज देना। पता है मैं क्यों कह रही हूँ कि एकदम खतरनाक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। ये देखो, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, हालांकि 17 इंच वाले या 18 इंच वाले इसमें आपको नहीं मिलते। इसके अलावा सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ यार, पैनोरामिक सनरूफ तक मिल जाती है इसमें आपको। यार एक्चुअली ना, इंडिया में अभी भी बहुत 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 सारे ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स और एडास वगैरह की अपनी कार में अभी तक नीड नहीं है। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्यों इनसे अपर वाले वेरिएंट को प्रेफर नहीं किया, लग्जरी पैक वाला या फिर AX7 को प्रेफर नहीं किया। तो उन्होंने यही चीज़ मेंशन की, मुझे एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें आपको जितनी नीड है ना, उतना सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ही। यार इसका जो हेडलैम्प सेटअप है ना, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सबसे पहले इसके DRL देखो, एकदम ट्विन DRLs आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। एंड इंडिकेटर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीक्वेंशियल सा इंडिकेटर है, ये लाइट होता हुआ बड़ा मस्त लगता है। और साथ में यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प सेटअप दिया गया ना, कंप्लीट LED सेटअप आपको देखने को मिलता है, मतलब हाई बीम एंड लो बीम दोनों में ही आपको LEDs देखने को मिलती है। फॉग लैंप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले ये साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये एरोडायनामिक्स के लिए जगह दी गई है, और यहाँ पे आपको कंप्लीट LED में ही फॉग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी ग्रिल देख लो यार, मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये देखो महिंद्रा का SUVs वाला नया वाला लोगो है, बटरफ्लाई वाला, ये भी मुझे बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो ये हॉलो सा ब्लैक सा पार्ट दिया गया है। अपर वाले वेरिएंट्स में यहाँ पे 360 कैमरा आता है, बट यहाँ पे बस इसको क्लोज कर रखा है। लुक्स तो इसकी वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इसका ये जो मिडनाइट ब्लैक कलर है ना, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और यार अगर आप इसको ऐसे ही पिक्चर्स और वीडियोस में देख रहे हो ना, मेरी मान के एक बार शोरूम में जाके देखो, ये आपको सच में दो गुना ज़्यादा सुंदर लगेगी। इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, एंड यहाँ पे आपको 235/60R17 का टायर सेक्शन मिलता है। टॉप वाले वेरिएंट में आपको दिखा दूँ, टॉप वाले वेरिएंट में आपको 235/60R18 का टायर सेक्शन मिलता है। इसके ORVMs के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, बट ये ऑटो फोल्डिंग नहीं है, यानी कि लॉक अनलॉक पे ये फोल्ड अनफोल्ड नहीं होता है। और बात करूं इसके डोर हैंडल्स की, तो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। लॉक किया, अब लॉक होने के बाद भी ना ये डोर हैंडल ऐसे बाहर निकल जाता है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ खुलेगी नहीं गाड़ी, लेकिन अगर किसी की दुश्मनी होगी ना, ऐसे निकाल के वो पूरा तोड़ के ही चला जाएगा। वेयर एज टॉप वेरिएंट में मैं आपको दिखाती हूँ, आप कितना भी प्रेस कर लो, ये लॉक है तो ये बाहर नहीं आएगा। बाकी इसमें आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती है, और इसमें आपको 60 लीटर का अच्छा खासा फ्यूल टैंक भी मिल जाता है। रियर में आपको शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, स्टॉप लैम्प, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ मिल जाता है। और रही बात इसके टेल लैंप्स की, तो एक बार मैं जला के दिखा देती हूँ आपको। इसमें आपको एरो हेड टेल लैंप्स दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं लाइट किए हुए। और ये इसका रियर इंडिकेटर है, नीचे आपको यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, बट एक चीज़ की मुझे कमी लगी, आपको यहाँ पे रियर पार्किंग कैमरा ऑफर कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे आपको XUV700 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको यहाँ पे AX5 की बैजिंग मिल जाएगी। और एक बार ना मैं आपको इसका बूट अनलॉक करके दिखा देती हूँ। तो ये 7-सीटर वेरिएंट है, इसको सीट्स को पूरा फोल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप लोग 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो ना, तो सीट्स मस्त फोल्ड कर सकते हो, अच्छा खासा बूट स्पेस बन जाएगा आपका यहाँ पे। ड्राइवर साइड डोर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाती है, ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको सिल्वर सी फिनिश देखने को मिलती है। एंड ये जो ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है, प्यानो ब्लैक फिनिश में ऑफर किया गया है। एंड नीचे यहाँ पे पैक्ड है, बट यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, और भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकते हो, अच्छी खासी स्टोर स्पेस आपको ऑफर की गई है। चलो अब कैबिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इसकी ड्राइवर साइड सीट देख सकते हो, ब्लैक सी सीटिंग अपॉल्स्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी देखने को मिल जाती है। बाकी एक बार मैं अंदर बैठ जाऊँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग व्हील दिया गया है ना, वो टिल्ट फीचर के साथ में आता है। इसके ऊपर आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है, प्यानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। इसके अलावा सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, काफ़ी प्यारा लगा मुझे इसका स्टेयरिंग व्हील। लेदर रैप करा लोगे तो और मस्त लगेगा। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स नहीं ऑफर किए गए हैं, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल ऑफर कर दिए जाते हैं। पर मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, इसमें ना आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया है, तो आपको इसको चाबी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इस
जिसमें आपको 10-10 इंच की दो स्क्रीन देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। इधर आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये देखिए, ये वाला बटन हिल डिसेंट कंट्रोल का है, और ये सारे जो आप देख रहे हो ना, इससे आप पूरी MID कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको 10.25 इंच की दो डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको लगेगा जैसे एक ही है बट ये अलग अलग है। एंड एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें आपको फ्यूल इन्फो, ड्राइव इन्फो, अलर्ट हिस्ट्री, सेटिंग्स, डिस्प्ले, नेविगेशन, और एक बार मैं आपको एवरेज वगैरह दिखा देती हूँ कितनी निकाल रही है कार। ये भी खड़ी रहती है तो 6.6 की एवरेज निकाल रही है। ये जो आप स्पीडोमीटर देख रहे हो, RPM मीटर देख रहे हो, किलोमीटर ड्रिवन, और ये सारा कुछ ना आपको यहाँ पे डिजिटल में ही देखने को मिल जाता है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। एंड यहाँ पे ना आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको की ट्रे मिल जाती है एंड यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान स्टोर कर सकते हो, आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है यार। बट ये ना प्लास्टिक में है, इस पर आपको कुछ भी सॉफ्ट टच फिनिश नहीं ऑफर की गई है। इसकी सिटिंग अपॉजिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा आपने देखा होगा, टॉप वाले वेरिएंट में ना आपको कुछ लेदर सा देखने को मिलता है वाइट में, बट इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल कलर दिया गया है, ब्लैक रेसा कलर है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही है और प्रैक्टिकल भी है। बाकी यार इसकी जो सीट्स है ना, एकदम मस्त कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, लॉन्ग जर्नीज में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने लंबी जर्नी ट्रैवल की है, फील ही नहीं होगा आपको। और यार यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किया गया है। ग्लव बॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी, एंड ऊपर आपको यहाँ पे टैबलेट होल्डर भी देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ओपन होता है। यहाँ पे आपको काफी प्यारी सी सिल्वर फिनिश दी गई है एंड ऊपर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आपको टेक्सचर सा देखने को मिलता है ऑफ वाइट से कलर में। डैशबोर्ड पे सारे यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया गया है। यहाँ पे आपको 10.25 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है एंड एंड्रॉयड ऑटो भी ये सपोर्ट करती है। अगर आप यहाँ पे फन एंड एक्सयूवी में जाओगे ना तो यहाँ पे आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो, नेविगेशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। एप्लीकेशंस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जस्ट अहिल, जोमेटो वगैरह ऐप्स मिल जाते हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। एंड कुछ इस तरह से आप इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पे रेडियो, ड्राइव, USB वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी भी चेक करवा देती हूँ। आपने इसकी ऑडियो क्वालिटी को जज कर लिया होगा। यहाँ पे मान लो आप कोई भी स्क्रीन पे हो तो आपको होम पे जाने के लिए बटन दिया गया है, और ये स्क्रीन सेवर का बटन है, और ये ड्राइव मोड्स हैं इसके, जिप, जैप और जूम, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो AC दिया गया है ना, आपको मैनुअल ही दिया गया है, इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं मिलता। कुछ यहाँ पे आपको USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, आप फोन वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे भी फोन रख सकते हो, स्लिप नहीं होगा। ये वाला पूरा एरिया आप देखोगे ना, आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है, यहाँ पे भी छोटी सी स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक कप होल्डर ऑफर किया गया है, यहाँ पे आपको सनशेड मिल जाता है, दूसरी साइड आपको सनशेड पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर आपको कवर भी ऑफर किया गया है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो लाइट्स दी गई है ना, LED लाइट्स है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये देखो। और ये देखो यार, यहाँ पे भी एक लाइट मिलती है, इसको दबाओगे ना तो ये वाली पूरी लाइट जल जाती है, बहुत प्यारी लग रही है ये भी। एंड यहाँ पे आ जाता है पैनोरामिक सनरूफ, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेन सॉरी, थोड़ी सी गंदी हो रखी है, मैंने जल्दी जल्दी में ज़बरदस्ती उनसे गाड़ी ले रही, शोरूम वाले बोल रहे थे कि हम पहले साफ़ कर देते हैं, बट मैंने कहा नहीं यार, आप लोग गाड़ी दे दोगे फिर। यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे आपको साइड वाले एयरबैग्स भी मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। मैं आ गई हूँ सेकंड रो में एंड मेरी हाइट 5'8" है, मैं ड्राइवर साइड सीट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर चुकी हूँ। अंडर थाई सपोर्ट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले आप यार नी रूम देखो, नी रूम एकदम मस्त है, बिल्कुल कंफर्टेबली आप यहाँ पे बैठ सकते हो, कंफर्ट और स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पे। और रिक्लाइन एंगल के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो बेवकूफ़ कहलाऊंगी, क्योंकि एडजस्टेबल है, कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। तीन लोगों के बैठने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कंफर्टेबली तीन लोग बैठ पाएंगे, बट हाँ वो बात अलग है कि सेंटर में जो बंदा बैठेगा उसके गोडे एकदम ठंडे हो जाएंगे, एकदम चिल रहेगा बंदा।
और यहाँ पे ना आपको USB मिल जाती है, तो आप अपना फ़ोन वगैरह चार्जिंग में लगा के यहाँ पे रख सकते हो मस्त। और अगर आप दो ही जने बैठे हो तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर्स के साथ में, और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दो लोगों के लिए। सेंटर वाले पर्सन के लिए ऐसा नहीं है, हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, हेडरेस्ट दिया गया है बट एडजस्टेबल नहीं है। एंड यहाँ पे आपको LED लाइट्स भी ऑफर की गई है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है, इस पर कुछ क्रोम की फिनिश दी है। यहाँ पे आपको एक हुक भी मिल जाता है कुछ सामान वगैरह हैंग करने के लिए। एंड यार जो इसकी मेन हाईलाइट है ना, पैनारोमिक सनरूफ, सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी सनरूफ है ये। ऐसा नहीं है बिल्कुल यहीं पे एंड हो गई, बिल्कुल एंड तक सनरूफ आपको देखने को मिलती है। अगर कहीं घूमने वगैरह जाओगे ना तो एकदम मस्त नज़ारा आएगा आपको। थर्ड रो को एक्सेस करना बहुत ईजी है, यहाँ पे ना आपको एक लिवर सा दिया गया है, एकदम मस्त बहुत ही ईजिली सीट फोल्ड हो जाती है, उसके बाद आप आराम से अंदर जाके बैठ सकते हो। देखो थर्ड रो के बारे में अगर मैं बात करूँ ना यार, तो वही बात है फिर, थर्ड रो में एकदम परफेक्ट स्पेस होता है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, सीट्स कंफर्टेबल है ये मुझे कहना पड़ेगा, पर बच्चों के लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। एंड थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे AC वेंट दिया गया है विद कंट्रोलर। एंड यहाँ पे आपको जो दोनों हेडरेस्ट दिए गए ना वो एडजस्टेबल है, ये अच्छी बात है। और यार यहाँ से भी बैठ के ना सनरूफ का व्यू काफी अच्छा आता है, काफी पीछे तक है इसकी सनरूफ। 700 के साथ में ना आपको कुछ ऐसी सी की देखने को मिल जाती है, ये एक फ्लिप की है, इसमें आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल जाता है। इस वाले बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा बट लिफ्ट नहीं होगा। और इसमें एक अच्छा फीचर आता है, ये जनरली पहले फॉक्स वैगन वगैरह में आया करता था, अब भी आ रहा है मतलब, और इसको आप ऐसे प्रेस करके रखोगे ना तो सनरूफ खुल जाती है। और ऐसे लॉक दबा के रखोगे तो सनरूफ क्लोज हो जाएगी। तो बस ये थी आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको AX5 वेरिएंट कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।